बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स के अंतर्गत आने वाले गन्ना भुगतान को लेकर किसान परेशान हो चुके हैं। आज किसानों ने सैकड़ों की संख्या में लखीमपुर में प्रदर्शन किया। गन्ना किसानों की समस्याएं क्या क्या हैं और भुगतान न होने से उनके जीवन में कितनी तकलीफ है, उसके बारे में बात करें। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी का चुनाव के पहले का वो भाषण सुन लें जो उन्होंने लखीमपुर के गन्ना किसानों के लिए कहा था। हजार करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की व्यवस्था हम लोगों ने की है और हम चीनी मिल मालिकों को कह रहे हैं वे इस पैसे सॉफ्ट लोन में अपनी गारंटी दें और इस पैसे का भुगतान हम सीधे किसानों के खाते में करेंगे और उसके बाद अगर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होगा तो बहुत सख्त कार्रवाई सरकार के स्तर पर होगी। सुना आपने, लेकिन क्या बजाज चीनी मिल पर सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता है? इलाके में बजाज चीनी मिलों के साथ गन्ना भुगतान को लेकर किसानों से टकराव है। पिछले कई सत्रों से चीनी मिल के अधिकारी लगातार गन्ना भुगतान के संदर्भ में झूठ बोलते रहे हैं, परंतु कभी भी वादे के अनुसार समय पर भुगतान नहीं किया है। गन्ना आपूर्ति के 18 माह बाद भुगतान किया जाता है और ये समय प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। लगभग हमारी 10-10 ट्रालियों का पैसा बकाया है। हाँ, और हमको कुंभी जो चीनी मिल हमारे पड़ोस में है वो 14 दिन में पेमेंट करती है सर, हमको वहाँ जुड़वा दिया कि हम लोग 10 साल से परेशान हो रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल रहा है समय पर, बच्चों की फीस, पढ़ाई, शादी, कामकाज और मिल से वो बैंक से डेली फोन आते हैं कि आप अपना खाता सही कराइए, आपका खाता NPA हो जाएगा, डेली फोन आते हैं। लेकिन हमारा पैसा उधर लाखों लाखों पड़ा हुआ है, इधर अगर 50,000 हमने बैंक से लिया है उस पे फोन आ रहे हैं, उस पे ब्याज चल रहा है और यहाँ लाखों लाखों रुपया हमारा पड़ा हुआ है, कम से कम 20 बटालियों का हमारा गोला फैक्ट्री पे है। जीवन जीना दुभर हो गया है, हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, बीमारियों का इलाज है, अन्य खर्चे हैं, उसको समय से नहीं, बच्चों की पढ़ाई है उसको समय से नहीं पूरा कर पा रहे हैं। दिसंबर में लखीमपुर खीरी में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल मालिक, पलिया यूनिट के महाप्रबंधक, प्रबंधक और वित्तीय प्रबंधक के समेत 4 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बार। जिले की पलिया, गोला और खंबारखेड़ा चीनी मिलों पर किसानों के बकाया गन्ने के भुगतान से नाराज किसानों ने जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय का घेराव कर दिया। सैकड़ों गन्ना किसान जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय गेट पर जा पहुंचे और गेट पर ही धरने पर बैठ गए। किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता श्री कृष्ण वर्मा ने बताया कि बजाज हिंदुस्तान की 3 चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का तकरीबन 6 अरब रुपया बकाया है, किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है जिससे वो काफी परेशान है। वही किसानों की रोजमर्रा की जरूरतें, बढ़ती महंगाई और बैंकों के लोन का प्रेशर अलग से। 6 अरब से अधिक भुगतान बकाया है गोला, पलिया, खंभारखेड़ा तीनों चीनी मिलों के ऊपर। अब बताइए किसान क्या करे? आज किस मांग को लेकर, आज मांग इस मांग को लेकर के आए हैं कि किसान चाहता है कि हमारा गन्ना भुगतान तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी जो फसल पकी तैयार खड़ी है हम इसको बचा लें, हम अब इसको उधार नहीं दे पाएंगे, हम इसको नगद जी। विकल्प ये है हमारा गन्ना क्षेत्र काटा जाए और जल्द गन्ना भुगतान करने जल्द भुगतान करने वाली चीनी मिलों से जोड़ा जाए। अब ये भुगतान देने की स्थिति में नहीं है। इधर किसानों का जो भुगतान नहीं मिला उससे किसानों को जो बैंक से कर्ज लिए गए हैं उनकी भी RC जारी हो रही है, उनको बैंकों से नोटिसें मिल रही हैं, किसान बहुत परेशान है। आज किसान अपने सड़कों पे उतर आया है क्योंकि अभी तक योगी जी ने कहा था कि हम किसानों को 14 दिन में भुगतान दिलाएंगे, अभी जब चुनाव हुआ था चुनाव में आए थे, आज 14 महीने बीतने वाले हैं, ये खाली चुनावी वादे हैं, किसान को कुछ नहीं मिलने वाला है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए किसानों ने एक मांग पत्र जिला गन्ना अधिकारी वेद प्रकाश सिंह को दिया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि किसानों की समस्याओं का निपटारा कराया जाएगा। नहीं, भुगतान की समस्या तो ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि 80 की यूनिट पहले से आ रही हैं, इनका भुगतान के लिए हमारे द्वारा और DM साहब द्वारा, गन्ना आयोग द्वारा भी नोटिसें इनको दी गई हैं और बजाज पे तो RC भी जारी कर दी जा चुकी है। अब चूंकि इनका 6 यूनिट है, रोगड़ इकाई में आ गए हैं और पूरे प्रदेश में, केवल ये नहीं है कि केवल जिला लखीमपुर में ही समस्या है, जहाँ जहाँ इनकी चीनी मिले हैं वहाँ पर पेमेंट इनका पुअर है
और ये अपना इनका है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कुछ पैसा और भी सरकार से इनको मिलने हैं, जैसे मिलेंगे ये ख़त्म कर दिया जाएगा। ये समस्या केवल बीजा चीनी मिलों के साथ ही है? हाँ, जनपद में देख नहीं, पूरे प्रदेश में तो और भी चीनी मिले हैं, लेकिन जनपद में हमारे 3 चीनी मिले हैं जो बजाज की, वही समस्या ज़्यादा है। एक थोड़ा सा पेमेंट हमारा पुअर अभी कहा जाए तो जिसने 100% नहीं किया है वो है हमारा आयरा, लेकिन उसने ये एश्योर किया है कि मैं 30 सितंबर तक 100% पेमेंट कर दूँगा। बजाज चीनी मिलों की स्थिति पूरे यूपी में यही है? हाँ, कमोबेश ऐसे ही है, किसी ने कोई 100% पेमेंट नहीं हो गया, क्योंकि बजाज की सिकनेस है, वो रुग निकाय में है तो इसलिए उसका तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। बाकी 14 दिन में गन्ना भुगतान की जो रूलिंग होती है उसके लिए आप लोग कैसे फॉलो कराते हैं मेरे से? नहीं, 14 दिन का गन्ना भुगतान की रूलिंग तो हम फॉलो कराते हैं, हम उसको नोटिसें जारी करते हैं और उन नोटिसों के माध्यम से उन पर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आप अतिशीघ्र किसानों का भुगतान करें।